Hey everyone, welcome back to our channel. And in this video, we will be reacting to the new video by Ashish Chanchlani. And this is not new, by the way. Released like a week ago, but still we are doing the reaction. And comments may not like them. React on Ashish Chanchlani Vines, react on Ashish Chanchlani Vines. Mom ke saath reaction karo and all that. So finally, we are doing it. And this is the Science versus Commerce. So let's get started with video. यह वीडियो भी काल्पनिक है, पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए, इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए, और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए. थैंक यू. सो दिस इज हाउ डीकंपोजिशन ऑफ लिक्विड हैपेंस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. Any doubts? सर जब हम कैथोड डालते हैं, एनोड डालते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, तो सर जो सोडियम के एटम्स हैं, सर वो कार्बन कैथोड से क्यों अट्रैक्ट होते हैं? क्लोरीन को छोड़ के वो कार्बन के पास क्यों जाते हैं? सर ये मेरे को नहीं समझ आ रहा है सर, प्लीज कैन यू एक्सप्लेन मी. ओके कॉमर्स. एनी डाउट्स? एक्सक्यूज मी सर, आई हैव अ डाउट. यस सर, एक्चुअली मुझे ये पूछना था, व्हेन आई केम फर्स्ट डे टू दिस क्लास, सर करीना पहले आकाश के साथ बैठी थी. ओके, देन करीना नेक्स्ट डे विवेक के साथ बैठी थी. ठीक है, उसके बाद तीसरे दिन करीना नेक्स्ट डे नंगे कुणाल के साथ बैठी. सर करीना मेरे साथ क्यों नहीं बैठती है? मेरी शक्ल पे टट्टी लगी हुई है, मैं नाश्ते में बच्चे खाता हूँ, क्या प्रॉब्लम क्या है सर? और तुम्हारे क्लास में ऐसा क्यों होता है? मैं ठोक दूंगा. चल बायो प्रैक्टिकल बंक करते ना आज. क्या तुझे बायो प्रैक्टिकल बंक करना है? तुझे पता है मुझे बायोलॉजी से कितना प्यार है? तुझे पता है ना मुझे बचपन से डॉक्टर बनने मेरा एक ही सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं, लोगों को ठीक करूं. अरे डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और तू बायो प्रैक्टिकल बंक करने की बातें कर रहा है? बायो प्रैक्टिकल बंक करना है, चल बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करते. और जो बताएंगे वो करना है. तो आज हम करने वाले हैं मेरा फेवरेट प्रैक्टिकल, एंड ये प्रैक्टिकल करेगा आशीष. थैंक यू सर. क्या कर रहा है सर? माइक्रोस्कोप में स्पेसिमेन को एडजस्ट करना है. नहीं, फिर आज हम करेंगे डाइसेक्शन ऑफ कॉकरोच. होल्ड इट लाइक अ पेन. मोना भाई की तरह कर रहा है. बेहोश हो जाएगा क्या? सरबुत से नहीं होगा सर, सर वो पड़ी है सर, मेरे कुकुर के देख रहे हैं वो काटने वाले. सर किसी की माँ बहन बाप भाई कुछ तो होगा सर, घर पे परिवार वेट कर रहा होगा, मैं क्या करूँ सर? काटा हूँ मैंने, सरबुत से नहीं होगा सर. अगर नहीं किया ना तो फेल कर दूंगा. ठीक है सर, अभी करता हूँ. भाई सुन तो, ये बायोलॉजी सब्जेक्ट का ज्योग्राफी सब्जेक्ट में चेंज करने का फॉर्म इधर ही मिलता है ना? हाँ, इधर ही. थैंक यू. मेरे फोन का वैसे भी फोन बजे या ना बजे अपने को क्या टेंशन है? अपने कॉमर्स के टीचर है, कुछ बोलते थोड़ी है. अरे अपने भाई जैसे टेंशन ही नहीं है. वो मेरे भाई. सर फोन दे मेरे भाई, फोन दे. सर आई एम सॉरी सर. पहले अपने पेरेंट्स को लेकर आना, फोन लेके जाना. अरे कॉमर्स के टीचर इतने लीनियंट भाई जैसे रहते. भाई जैसे अरे सुन ना, नोट्स के फोटो भेजना यार. हाँ एक मिनट. हाँ भाई, कौन सा चैप्टर है ये? भाई चैप्टर नहीं है, एक आंसर है. क्या? हाँ तो देखो, पता नहीं क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत बड़ा आंसर है, और कॉमर्स के सब्जेक्ट इतने इजी कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई. चाहिए एग्जाम दे रहा है, बहुत लिख रहा है. लिखते वो कैसे लिख रहा है? सर पेपर हो गया, पूरा पेपर भर दिया सर थियरी से. ले लो सर. ये इंट्रो तो बढ़िया लिखा है, इस पे पूरे एक मार्क तो पक्का मिलेंगे. एक मार्क्स? बाकी का ये इंट्रो है. कॉमर्स के एग्जाम्स इतने इजी होते, द मार्क तो यू मिल जाती है भाई, यू. उसका तो हो गया. गाचा
दो सर और 200 सप्लीमेंट दो यार, ये LHS RHS इक्वेट ही नहीं हो रहा है। पहले लेफ्ट साइड सॉल्व किया, उसके बाद राइट साइड सॉल्व किया, इक्वेट क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ का साइन यहाँ के कॉट से नहीं मिल रहा है, यहाँ का कॉट सॉल्व करते तो यहाँ पे साइन भी नहीं आता, क्या है यार ये? देख भाई, इस देश में मैथ्स ऐसी चीज है ना, तू अगर दो स्टेप में इजीली निकालेगा ना, कोई भाव नहीं देगा, लेकिन अगर वही सम तू 8 स्टेप में घुमा के हे परमात्मा मैं तेरा थ्योरम ठोक के लगाता हूँ कर देगा ना, तो सॉल्व हो जाएगा, मार्क्स भी मिल जाएगा। अभी इधर तू लिख, मैं मेरे बाप का थ्योरम लगाता हूँ, यूलर तेरे को जो उखाड़ना है उखाड़ डाल। लिख मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 0, LHS into 0 is equal to 0, RHS into 0 is equal to 0, 0 equal to 0, therefore since hence proved LHS equal to RHS, teacher भी खुश, तू भी खुश, भगवान भी खुश, जा जा के नारियल फोड़। अबे यार ये बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है, सारी एंट्रीज लिख दी, एडजस्टमेंट भी लिख दी, तो भी ये बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है। मेरी बात सुन, मैं तेरे को सिंपल सा सोल्यूशन देता हूँ। हाँ हाँ, डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल में लिख दूँ। अबे वो मैं बचपन में करता था, इधर लिख, क्या लिखेगा? ये मेरा सारा काम मेरा अकाउंटेंट देखता है, उसको जाके कॉल करो, मगजमारी वो देखता है, सिंपल। वैसे डिफरेंस कितने का है? 100 रुपए का। अरे 100 रुपया, तो 100 रुपया ले चिपका, ऐसा लगा थूक लगा के लगा, सबमिट कर पेपर, टीचर देगा 100 रुपया, टीचर खुद टैली करेगा, तेरे को घर पे मार्क्स देके जाएगा, टीचर खुश, तू खुश, भगवान खुश, जा जाके नारियल फोड़। तुमने सोचा ही नहीं भाई, तू असाइनमेंट करके लाया? नहीं यार, बायोलॉजी के चक्कर में सब भूल गया भाई। तू? नहीं भाई, मैं भी भूल गया। बाकी सब किसी ने किया असाइनमेंट? ठीक है, तो एक काम करते, सर को बोलते आज कोई भी असाइनमेंट नहीं करके आया है, असाइनमेंट की डेट पोस्टपोन करवा देते, क्या बोलते हो? ओके, ठीक है, बेस्ट बेस्ट। चलो असाइनमेंट सबमिट करो। सर एक्चुअली आज कोई असाइनमेंट करके नहीं आया, तो सर हम सबकी रिक्वेस्ट है आपसे कि सर प्लीज असाइनमेंट की सबमिशन डेट पोस्टपोन कर दो। सर डेट वेट पोस्टपोन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मेरा असाइनमेंट रेडी है। नहीं भाई, मैं भी भूल गया। नहीं भाई, यार आज असाइनमेंट का लास्ट डे है सबमिशन का। कितने लोग करके असाइनमेंट? दो लोग, 20 और असाइनमेंट 3। चलो टेंशन नहीं करो, आज सबके असाइनमेंट सबमिट हो जाएगी। कैसे? मेरे पास एक फाड़ू आइडिया है। चलो बच्चों अटेंडेंस स्टार्ट करते हैं। राम प्रेजेंट सर, हरि प्रेजेंट सर, शंकर प्रेजेंट सर, आशीष प्रेजेंट सर, गंगोधर सर वो एब्सेंट है। क्यों सर? उसके घर पे बहुत लिमिट्स है सर। क्योंकि सर उसके माँ बाप ना उसका डेरिवेटिव निकाल निकाल के उसको अलग कर रहे हैं। लेकिन सर हम लोग है ना उसके फ्रेंड्स, सब इंटीग्रेट कर देंगे। फ्रेंडशिप इज स्ट्रॉन्ग, हेल्थ प्रूव्ड। रोहित सर वो नहीं आया सर। क्यों बेटा? 17-17 घंटे पढ़ता है सर, ग्लूकोज की बॉटल चढ़ाई है उसको, बेचारा गरीब का बच्चा, साइंस ले लिया एक तो। टीचर को भी दुख हो रहा है। हेलो बेटा,
बेटा तो कॉमर्स ले, कॉमर्स। सॉरी सर। वासु सर वो पिछले हफ्ते मर गया। आरडी शर्मा के बुक के नीचे धबके मर गया सर। जिंदगी हमारी पैराबोला बन गई है सर, कब ऊपर कब नीचे। अभी सर मैं बिल्डिंग बनाऊंगा तो क्या डेरिवेटिव लगाऊंगा उस पे? मुझसे अटेंडेंस नहीं होगा, नहीं होगा। चलो पढ़ाई आ गए साले मनुष, ये तो पगार अच्छी है, नहीं तो एक एक को घर पे आके गोली मार के जाऊं। अटेंडेंस ले रहा हूँ। कैसे बैठे हैं देखो सर। तन्मय प्रेजेंट सर। अंकित प्रेजेंट। अभिषेक प्रेजेंट सर। आशीष प्रेजेंट सर। ये भी ऐसा फिर से लेगा मेरी। भुवन प्रेजेंट सर। अमित प्रेजेंट सर। प्राजक्ता प्रेजेंट सर। कौन बोला भाई? हर्ष सर वो आज से नहीं आएगा सर। क्यों मैडम? अरे उसकी मर्जी नहीं आएगा तो तुझे क्या करना है? अपना काम करना, अटेंडेंस ले। चोटिया साला, चोटी वन के गुंड। निकुंज सर उसको गाड़ी ने ठोक दिया। तुषार सर वही गाड़ी चला रहा था। ऋषभ उसको कुत्ता खा गया। उसका होमवर्क कुत्ता खा गया। काम करना अपना। साले की चोटी काट के मुंह में डाल दूंगा। जशन सर उसकी पड़ोस की बीवी सर प्रेग्नेंट है। तो अरे तो सर उस बीवी का पति 2 साल से घर नहीं आया। तो उसका इससे क्या? अबे तेरे को टीचर किससे बनाया? दिवेश सर वो बारिश में गीला हो गया। तो हाँ तो घर बैठ के सूख रहा है वो। सिमरन नहीं देगी। नहीं आई है साला दाढ़ी वाली औरत। रोहित 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 सर एब्सेंट है सर। कमाल है, ये तो एक महीने से नहीं आया। हर बार का हो गया यार ये। कैरी सर वो लोना लगे अपनी आइटम के साथ। ब्रश कर। अबे तू क्या आश्रय तेरी आइटम के साथ ही है। Okay, so that was the video and it was hilarious. मुझे तो बहुत अच्छा लगा। Especially वो cockroach वाला जो scene था। Oscar और वो वाला वो assignment वाला सबसे अच्छा, सबसे अच्छा। ये सब तो scenes आएंगे अब student लोग। जाके थप्पड़ मारने वाला। और स्टूडेंट्स तो मतलब ये सब देख के सीख ही जाएंगे। और क्या यूनिटी, क्या यूनिटी है, वही यूनिटी। चलो ठीक है, सो वी एंजॉय दिस वीडियो अ लॉट एंड होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो एज वेल। इफ यू डिड देन गिव द बिग थम्स अप, राइट समथिंग इन द कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड एंड फॉलो मी ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। सो बाय फॉर नाउ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।